अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना खालिद चिश्ती म्यूज़िक वर्ल्ड लखनऊ हाज़िर है और आज जर्नल मौजूद ने डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब कास्मो क्लब के प्रेसिडेंट हैं, बहुत अच्छे अदीब ने, बहुत अच्छे राइटर ने, बहुत अच्छे इंसान ने। डॉक्टर साहब असी जिहड़ा साडा अज मुल्क जिहड़ा खलोता है हेल्थ हवाले दे नाल तुसीं देख लो कि साडे मुल्क च की हो रहा और लोगों नाल की नाइंसाफियां हो रही, लोगों नूं सेहत अच्छी नहीं मिलती भी, तो उहदे हवाले नाल देखो सेहत बहुत बड़ा इंसान का सारा जिंदगी का दारो मदार ही तो हेल्थ पे है ना, बीमारियां तो तकलीफा जड़िया आदि ने मैं तुम तफसीली दसता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब खालिक चिश्ती साहब, तुहाडा सवाल हेल्थ के उत्ते। देखो कि जिहड़ी कौम की सेहत ही ठीक नहीं होगी, जिहड़ी जिस्मानी तौर पर बीमार होगी वह यकीन जहनी तौर पर बीमार होगी। कभी मुमकिन नहीं होता कि जिस्मानी तौर पर बीमार आदमी जहनी तौर के उत्ते सेहतमंद हो। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बहुत कोई दुनिया का कोई करोड़ों चो एक आदमी हो सकता है, लेकिन जिस्मानी तौर के उत्ते बुनियादी जिस्मानी तौर पर बीमार कौम जहनी तौर पर बीमार होगी। तो जिस कौम के 40-45% लोगों पीने का साफ पानी भी ना लगता हो, इलाज तो दवाई तो बड़े दुख की गल है। मेरे नाल दे दस बहुत सारे दोस्त डॉक्टरी करके आए, बाहर फिर चले गए। मैं कहा यार इतने तुम एडे काबुल हो, इतने लोगों के इलाज क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा कि जिन्हों का इलाज करना है, जिन्होंने इलाज की जरूरत है, उन्होंने को तो रोटी खाने के पैसे को नहीं, वो दवाई कितों खरीदेंगे? तो असी कि इलाज करिए? तो जिन्हों का इलाज करके असी पैसे कमाने ने, तो जो पैसे कमाने फिर बाहर जाके कमा लेने, फिर इन्हों का असी जरूर करना है। यानी कैसी है बदकिस्मती है साड़ी कि साडे सरकारी अस्पतालां दे विच ना ते सही चैकअप होंदा, ना कोई दवाइयां लभदियां ने लोगों नूं, और जिथे जिस मुल्क दवाइयां जाली, खुराक भी जाली, पानी पीण नूं साफ कोई नहीं, हर शायद मिलावट। वो भाई जी मिलावट दुनिया दे विच इसदा मौत है। तुहाडी कहिड़ी अच्छी चीज़ खालस है? दुध तो लैके मिर्चा तक तो तुहाडे कोल खालस कोई नहीं है। तुहाडे कोल तो आटे दे विच हर चीज़ कट के तो रबड़ जिहा तुहानूं मिल जांदा है। इस करके ना तुहाडे कोल कोई खुराक जे तुहाडे फ्रूट तो स्प्रे भिंडियां दे स्प्रे कि नहीं, उस स्प्रे जिहड़ा पॉइजन है ह्यूमन स्टोमिक वास्ते पॉइजन है, जहर है, जहर खवाई जा रहा है, गंदगी खिलाई जा रहा है पूरे पूरी कौम नू। किसे हर चौथा पंजवा बंदा हैपाटाइटिस का मरीज हो चुका है, गुर्दे लोगों के फेल हो रहे हैं, तो वो बीमार लोग कितने जान? और फिर अगर इस मुल्क किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी नू ऐसी कोई बीमारी लग जाती है, कोई ऐसे हादसे का शिकार हो जाता है या किसी बीमारी का जिदे उत्ते 80,000, 90,000 या लख रुपए का खर्च आता है, तो यकीन करो कि 70% आबादी ऐसी है, 70%, मैं बड़े दावे नाल कह रहा, इस ज़्यादा होगी घट नहीं, एक अक्सरियत आबादी ऐसी है कि जेदे कोल 80-90,000 का इलाज कराने के पैसे नहीं है, तो कोल एक ही रस्ता है कि हुण मंजी ते पै जाए तो मौत का इंतजार करे तो मर जाए। इस तो वड्डा भी कोई जुल्म हो सकता है कि असी इलाज तो महरूम होकर तो मौत का इंतजार करिए? और फिर निके निके इलाज टुट के यह चीज़ कर लो, होम्योपैथिक उधर फिर के अपने आप में होर खराब होता है और अखीर बंदा दुनिया तो टुट जाता है, ना वो किसी काम का रहता, ना तो घर गुरबत का शिकार हो जाता। फिर गुरबत सारी बीमारिया की जड़ है, गुरबत रियासत की देन भी है, गुरबत समाजी रवैये की देन भी हैगी है, गुरबत इंसानी ग्रोथ की उस पैदावार का हिस्सा है जिदे जहनी तरबियत होंगी है। लिहाजा तुसी पूरे मुआशरे नूं भीख मंगण दे उत्ते, गुरबत दे उत्ते, जिल्लत की तरफ बैल। अच्छा कैदियों की कैदी ने की भीख की मंगनी? कैदी ने रिलीफ की मंगना, कैदी ने बिजली की मंगनी, कैदी तो ऐसी चुनता कि चलो मैं मैंने कैद जो मार तो नहीं रह रहा, कुट तो नहीं रहे, मेरी तजलील तो नहीं हो रही। और तुम तजलील भी कर दो बिला वजह, कोई कैदी सिर चुके तुम तजलील कर दो, यार कैदियों कितों तिकर करोगे? लिहाजा इस मुल्क दे विच इलाज मुआलजे के हवाले नाल जिन्ना वड्डा जुल्म है शायद दुनिया होर कितें ना हो। इस मुल्क के शहरी है वो की करन? अच्छा जेड़े कोई थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं उत्थे दवाइयां जाली, एक ऐसे ऐसे कुछ कर कुछ नहीं सकते तुसीं। किसी को बड़ियां कंपनियां दे पानी जाली, दुध जाली, दवाइयां जाली, उन्होंने फूड सप्लीमेंट जाली, वो जाके दिखाओ, एनालिसिस कराओ लैबोरेटरी दे विचों, तो तुसीं उन्हां तों कुछ भी नहीं कर सकते।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗੋਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਮੇਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈਗਾ। ਤਬਕੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸਤੇਸਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤਬਕਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਨਾਲ ਦਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿਉ, ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿਉ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਉ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਹੀਆ ਆਏਗਾ, ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ